हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं तारा देवी और ये है पायल दी, ये खाना खा रहे हैं। हाय गाइस, और दीक्षा बात कर रही है किसी के साथ, उसको बाद में दिखाएंगे। गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा, मन्नू ने आज ब्लॉग स्टार्ट किया है और यहाँ पे दीक्षा को देख सकते हैं आप। सज धज के रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए और हम बस 5 मिनट में निकलने ही वाले हैं। निकल चुके हैं मंदिर के लिए और हमारे साथ ज्योति भी आ चुकी है। वो ज्योति है, ये मन्नू है और ये दीक्षा है। तो उड़ा देते हैं गाड़ियों वाले। हम बस में पहुंच चुके हैं और बैठ चुके हैं। 5 मिनट में बस चलने वाली है और दो फ्रेंड्स उर्वशी और इसका नाम सुहासिनी, ये भी जा रही है हमारे साथ और ये है श्रीति। फंस चुके हैं क्योंकि ट्रैफिक लग चुका है और गाइस नेटवर्क भी नहीं है, चल नहीं रहा है। नींद लग चुकी है। वो देखिए ज्योति का, वो देखिए ज्योति। तो चलते हैं, तो हम सोच रहे कि पैदल चलते हैं, शायद नजदीक है थोड़ा। हम फंस चुके हैं यहाँ पे, क्या करना है गाइस, फिर चलना है पैदल। पैदल चलो। तो गाइस हम पहले मैप देख लेते हैं और फिर पैदल ही जा रहे हैं। हम बस उतर चुके हैं क्योंकि ये चल नहीं रही थी और ट्रैफिक लगा है, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। अब हम फंस चुके थे क्योंकि वो देखो बहुत आगे तक ट्रैफिक लगा है और ये बस हमारे पीछे ही। हाँ गाइस, अब हम पैदल चल रहे हैं। अरे गाइस रुक तो जाओ यार, व्लॉग में जाओ, कुत्ते कहीं के भागो भागो। तो गाइस अब हम पैदल ही जा रहे हैं, हमारे को रास्ता कुछ नहीं पता, हम ऐसे चल पड़े हैं। पहुंच गए गाइस। नहीं, ये रास्ते में कोई मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, तो यहाँ पे मथा देख लेते हैं। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। अरे बोलो भाई, जय माता दी गाओ। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। रास्ता पता नहीं हमें, जय नहीं खुला। देखिए कितना ट्रैफिक लगा पड़ा है, ये देख सब पैदल जाना पड़ रहा है और यहाँ पे धूप भी कम है तो चलने में इतना दिक्कत नहीं हो रही है। अगर धूप होती तो ज्यादा वो होता। और यहाँ पे देखो कितनी प्यारी लोकेशन है, अच्छा लग रहा है चलते हुए, मतलब ऐसा होने लग रहा है कि चलना नहीं है, मजा आ रहा है। तो गाइस जाम खुल चुका है पर पता नहीं हमारी बस कैसे कलर की थी, हमें याद ही नहीं है। वहाँ पार्सल आएगी वो, पर हम इस साइड को हमें पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ बहुत प्यारा व्यू है, देखो बस जा चुकी है। नहीं, हमें वापस बस मिल चुकी है, हमें ड्राइवर अंकल ने बस रोक दी थी, हम बाहर बाकी बस में चढ़ गए वापस और थक भी गए। तो गाइस हम बस से उतर चुके हैं और अभी हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ता है। आधा घंटा बोला उन्होंने कि गूगल मैप गलत था, गूगल वालों अपना मैप ठीक करो। ये भी तो रेलवे स्टेशन शॉप। नहीं नहीं, आगे बोला उन्होंने। तो एक अंकल से हमने पूछा तो उन्होंने हमें शॉर्टकट बताया, तो हम वहाँ से जा रहे हैं। हम आगे को गलत आ गए थे तो हम वापिस पीछे जा रहे हैं और शॉर्टकट बताया उन्होंने कोई, तो हमें पूछ पूछ के जाना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रॉपर रास्ता नहीं पता। उन अंकल ने इस शॉर्टकट से बोला था, लिखा है वो देखिए गाइस, 5 किलोमीटर। चल कुछ नहीं, 5 किलोमीटर चल पड़ेंगे, तो चलते हैं गाइस। टाटा। वो टॉप पहाड़ी दिख रही है, वहाँ पे वो मंदिर है, इतना दूर है। देखो हमें कुछ मिला, सोया पानी, हमें पानी खाली है। फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। रेलवे से बचने को बोलता था कि नीचे चढ़ने को बोलता था, हमें याद नहीं रहा है। तो हम अपने तुक्के से, मैंने अपना दुपट्टा समेट लिया है अब। और तो हम अपने तुक्के से ऊपर से जा रहे हैं, ये ब्रिज नहीं है गाइस, मुझे भी पता चला। चलो गाइस हमें लिफ्ट मिल गई है और हमारे पास में जा रहे हैं। हम है फरारी।
यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी दुकानें हैं। और एक बहुत अच्छे अंकल थे, उन्होंने मैं ऊपर तक भी छोड़ा। यहाँ पे शॉप्स हैं और हम सब जा रहे हैं चुन्नी और माता के लिए और प्रसाद। प्रसाद ये देखो, माता की चुन्नी हम पेड़ एक वहाँ पे उसमें बांधेंगे, अपनी विश मांगेंगे। थक चुकी हैं, थक के बेहाल हो चुकी हैं, हैरान परेशान हो चुकी हैं। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। पेड़ है, इसमें चुनिया चुनिया बांधी है, शायद अपनी विश मांगते हैं यहाँ पे और चुन्नी बांधते हैं। मैं और दीक्षा भी बांधेंगे। तो वैसे देखो कितनी सीढ़ी है। कर लिए, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैंने दिखाया नहीं अंदर। ये देखो भूखे लोग दर्शन किए नहीं पहले, प्रसाद चूस लिया। तो हम जा रहे हैं अब प्रसाद और चीज देखने। क्या दीक्षा, दीक्षा नहीं क्या ज्योति, और देना मेरे को प्रसाद, प्रसाद खाने ही बस है। तो चलते हैं, आपको और दिखाती हूँ। वहाँ तो अलाउड नहीं था, जो मेन माता थे उनका दिखाना अलाउड नहीं था, बट यहाँ छोटे छोटे मंदिर है। भैरव जी का मंदिर है, इधर भी बाहर जाएंगे। चलो वहाँ से पहले चुन्नी बांध लेते हैं उस पेड़ पे। तो गाइस देख सकते हो आप कितना सुंदर मंदिर है, और फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं। जगह यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे जंगल जंगल है पूरा। गाइस वो देखो, वो पता नहीं क्या, शायद मंदिर है कि पता नहीं। तो चलते हैं, हम एक और मंदिर पहुँच चुके हैं और बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत सुंदर है। तो कभी कोई शिमला आए तो तारा देवी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर है और बहुत प्यारा भी। गाइस देखो कितने अच्छे फ्लावर है यहाँ। पहली भोलू बाबा मिल चुके हैं हमें, मेरे फेवरेट। मेरा नहीं है कुछ भी, सब कुछ तेरा किया है, कृपा हुई है ऐसी, बिन मांगे सब दिया है। पता नहीं कहाँ से प्रसाद चुरा लिया, इसको देखो। देखिए गाइस शक्ल देखिए, पूरा बस प्रसाद खाने है सिर्फ है। जय माता रानी। एक छोटा सा मंदिर भी है, वहां भी चलते हैं। और ये प्रसाद खाने वाली लड़की भूखी। चल हाँ। तो गाइस ये देखो यहाँ पे, एक मिनट दिखाने दे मेरे को। गाइस ऐसा हमारे को एक लड़कियों ने बोला, कुछ लड़कियों ने, कि अगर ऐसा बनाओ ना, मतलब हम कुछ मन्नत मांगते हैं और फिर ऐसा बनाते हैं तो वो मन्नत पूरी हो जाती है, ऐसा मानते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा बोला उन्होंने, किसी के टूट, मतलब किसी ने बनाया पहले से और मन्नत मांगी और हम उसको तोड़ के फिर से बनाएंगे तो उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो ऐसे हमारा भी कोई तोड़ के खुद बनाएगा तो हमारी मन्नत पूरी होगी। तो चलते हैं और बनाते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे किसी ने बनाया ये, पहले से किसी ने मन्नत मांगी अगर ये बनाया होगा तो मैं इनका निकाल के अपना बनाऊंगी और उनकी मन्नत पूरी होगी, जिन्होंने ये रखा होगा ऐसे बनाया होगा। तो लेट्स गो, मैं भी मन्नत मांगती हूँ और बनाती हूँ। यहाँ पे सब बना रहे, वहाँ मन्नु बना रही है, ज्योति यहाँ, दीक्षा, तो हम सब बना रहे हैं। वहाँ श्रुति बना रही है, साथ साथ मन्नत मांगनी और बनाना है। ठीक है, मैंने बना दिया अपना। गाइस मेरी मन्नत का ढेर तैयार हो चुका है, परफेक्ट। जय हो, पूरी हो जाए मेरी मन्नत। देखो यहाँ पे बहुत सारे बनाए हैं ऐसे मन्नत के। वापस आ चुके हैं और हम शूज पहन रहे हैं और कुछ खाने जाएंगे उसके बाद। तो गाइस फाइनली हम कुछ खा रहे हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं ऑप्शंस, यहाँ सिर्फ मैगी है, बर्गर है, बस यही सब है। और इनके प्राइस इतने हैं इसलिए हमने कुछ ज्यादा खाया नहीं। बस मिल चुकी है और हम जा रहे हैं वापस। ये डायरेक्ट हमें मिली है ओल्ड बस स्टैंड की बस, और सब अंदर बैठ चुके हैं बस के। ये देखिए गाइस,
बस फाइनली चल पड़ी और मैं दीक्षा के ऊपर बैठी हूँ क्योंकि सीट ही नहीं है और यहाँ पे ज्योति ज्यादा बन रही है खुद को यहाँ पे श्रीति अपने ख्यालों में खोई हुई है तो चलते हैं और बहुत थक गए हैं। मनु जी क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो शोर ले ली, पीछे से धूप बज रही है, चलो गाइस तो चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं ओल्ड बस स्टैंड और हम जा रहे हैं वापस पीजी को, तो चलते हैं और पीजी में मिलती हूँ आपसे। पहुंच तो गए पर हमें बहुत भूख लगी थी तो हम यहाँ पे रुक के मोमोज खा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हमारे मोमोज आ चुके हैं और ये मोमोज ऐसे लड़की यहाँ बैठी हुई है तो खाते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है, फिर चलते हैं वापस पीजी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और मैं आते लेट चुकी हूँ क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रही है और उफ बहुत थक चुके हैं। तो इसी के साथ हम करते हैं आज के व्लॉग को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मे बी मैं होली पे व्लॉग बनाऊंगी तो वो डालूंगी। तो टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।